Hi guys, welcome back to my YouTube channel. It's me Roops and it's my channel all about Rono. So today this video is not any haul video or daily vlog video. It's a very informative video because दो दिन पहले किसी ने मुझे एक comment किया था कि what are you doing right now? You are doing a job. So this is what kind of job that how can I get a job? So मैं बोलना चाहूँगी कि yes मैंने कोई इंजीनियरिंग डॉक्टर या फिर मैंने कुछ कोर्स नहीं किया है. मैंने सिर्फ कंप्लीट प्लेन ऑनर्स किया है जो कि है फिजिक्स में. येस इट्स नॉट दैट बैड बट येस आई एम एवरेज स्टूडेंट. एंड मैं बोलना चाहूँगी कि जो भी मेरी तरह है एवरेज स्टूडेंट या फिर कुछ प्लेन ऑनर्स लेके पढ़ाई करता है तो हम लोगों के पास एक ही मोटिव सबसे ज़्यादा जो होता है येस वी आर प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट एस्पिरेंट गवर्नमेंट जॉब राइट. वी ऑल आर गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट बट नाउ डेज इट्स वेरी टफ टू गेट अ गवर्नमेंट जॉब बिकॉज रिक्रूटमेंट तो नहीं होता है पहली फर्स्ट वन बिकॉज आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल जहाँ पर पता नहीं वो गवर्नमेंट को भी पता नहीं कि वो लोग क्या कर रहे हैं राइट. मैंने WBCS एग्ज़ाम दिया था लास्ट ईयर. येस प्रीलिम्स वॉज वेरी गुड बट अभी तक उसका कोई भी रिजल्ट नहीं है और फिर से वो लोग प्रीलिम्स जो है वो एग्ज़ाम लेने के लिए तैयार है. हाँ वो फॉर्म फिलअप हो गया है लेकिन अभी भी एग्ज़ाम नहीं है और लास्ट ईयर का अभी भी रिजल्ट का कुछ भी पता नहीं है. और उस WBCS एग्ज़ाम फिर भी साल पे तो हो जाता है लेकिन अदर्स जो स्टेट एग्ज़ाम है वो उसका तो कोई फॉर्म फिलअप भी नहीं होता है और रिक्रूटमेंट भी नहीं होता है. तो बट जब हम लोगों से जब भी पूछा जाता है कि क्या करते हो हम लोग सिर्फ ये नहीं कर सकते कि हाँ गवर्नमेंट को गाली दिया जाए ओके दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग सो दैट्स वाई वी आर जॉबलेस. तो लोगों को कोसने से ज़्यादा लोगों को बोलने से ज़्यादा कि हाँ वी आर जॉबलेस फॉर देम वी कॉन्ट डू एनीथिंग लोगों को ब्लेम करने से अच्छा है कि कुछ दूसरा कुछ डिफरेंट कुछ नया कुछ किया जाए या फिर कुछ किया जाए जहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ है. येस अभी सब कुछ जो है वो प्राइवेटाइजेशन हो जा रहा है तो इट्स वेरी इजी टू गेट अ प्राइवेट जॉब बिकॉज वहाँ पर हाँ येस देयर इज़ अनसर्टिनिटी उसमें थोड़ा सा अनसर्टिनिटी है जॉब में लेकिन देयर इज़ अ लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑल्सो. बहुत सारा जो है वो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी होता है. बहुत स्किल डेवलपमेंट स्किल्स भी अवेलेबल है. बहुत सारा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर फ्री में स्किल डेवलपमेंट स्किल्स भी मिलता है स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी होता है. तो प्लीज़ जस्ट गो फॉर इट. अनएम्प्लॉयमेंट से ज़्यादा अच्छा है कुछ कम सैलरी की जॉब कर लो. एंड प्राइवेट अगर मैं किसी को बोलती हूँ कि अपना जो जॉब रोल है प्राइवेट कंपनीज में बहुत सारा जॉब रोल्स है तो अगर मैं उन लोगों को बोलती हूँ हाँ मैं इस पर्टिकुलरली इस जॉब रोल में काम करती हूँ तो दे जस्ट लुक मी लाइक अ पीटी माई गॉड आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग. कभी कोई कोई तो ऐसा भी है कि कुछ भी नहीं कमाता है लेकिन अगर मैं उन लोगों को बोल देती हूँ कि मैं ये वाला जॉब करती हूँ तो दे जस्ट ओ माई गॉड वो मुझे ऐसा पीटी फील जो है वो पीटी फेस देता है जैसे मैं बहुत ही ज़्यादा लाइफ में फेलियर हूँ. बट इट्स ओके वी आर नॉट हेयर टू प्रूव एनीथिंग. सो हाँ अपना स्किल यू हैव टू वर्क ऑन योर सॉफ्ट स्किल विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्राइवेट जॉब एंड ऑल्सो यू हैव टू वर्क ऑन एनी स्किल. यू जस्ट सर्च फॉर एनी आई हैव ऑल्सो डन अ skill based program which was CCNA and I got a job also in a very good package but that time I was not able to move in Bangalore. I didn't want to move in Bangalore so that's why I just dropped that job but I got a job right. It is very good to get a job in very less salary than the unemployment and jobless right. So go for it. There is a better opportunity. There is lots of opportunity than a government job. Yes, you can prepare it beside, but don't just sit in your home and just spend your all the years for only a government job. Prepare it. I am also preparing it. Prepare it beside that also. Build your some soft skill and another skill that you if you
अगर आपको नहीं मिलता है गवर्नमेंट जॉब, आप जॉबलेस ना बैठो घर पे, कुछ स्किल्स डेवलप करके रखो जिससे आप कुछ भी कर पाओ घर पे. एंड इफ यू नीड एनी हेल्प प्लीज यू कैन कमेंट मी. टाटा.